सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी ने अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की। सूत्रों के मुताबिक आज एनसीबी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाएगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सैमुअल को आज एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी, दोनों की रिमांड की मांग कर सकती है। कल इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सैमुअल मिरांडा ने कहा उसने शौविक के कहने पर ड्रग डीलर से ड्रग्स मंगवाया, जबकि शौविक चक्रवर्ती ने कहा था कि उसने रिया के कहने पर ही सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। बीती रात एनसीबी ने कहा सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपेश के एक व्हाट्सएप चैट को लेकर उठे हैं सवाल। 14 जून को सुशांत के घर में ही थे दीपेश। मुंबई में एनसीबी ने कल ड्रग पैडलर कैजान को भी गिरफ्तार किया है। मामले से जुड़े हुए आरोपी अब्दुल बासित को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी, 2 आरोपी अब्बास और करण को जमानत। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई और पुणे में प्रदर्शन, शिवसेना की महिला शाखा ने विरोध में नारे लगाए। सोशल मीडिया पर मुंबई की तुलना पीओके से करने पर नाराज शिवसेना। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ा, ट्विटर पर कंगना का जवाब किसी के बाप का नहीं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया। कंगना रनौत ने ट्विटर पर अपने मुंबई पहुंचने की तारीख बताई, लिखा 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, पहुंचने का वक्त भी बता देंगी, खुद को मराठा बताया। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को गिरफ्तार किया, रागिनी के बेंगलुरु स्थित घर पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की, ड्रग्स की सप्लाई, इस्तेमाल और खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ। 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुए दंगे पर खुलासा, हिंदुओं के खिलाफ पूर्व नियोजित साजिश की गई, दंगों में हिंदू इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया, सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को सौंपी गई। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान, एलएसी पर हालात गंभीर, सेना भी पूरी तरह तैयार, जनरल नरवणे ने कल लद्दाख में अग्रिम मोर्चों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में त्राल के जंगल में जैश ए मोहम्मद के 3 ठिकाने तबाह, सुरक्षा बलों ने अभियान के दौरान आईईडी बरामद किए, पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी और एसओजी जवान जख्मी, बारामूला के पाटन में सर्च ऑपरेशन। सीमा सुरक्षा बल के डीजीपी राकेश अस्थाना 3 दिनों के दौरे पर जम्मू पहुंचे, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल और अखनूर सेक्टर का दौरा किया। लद्दाख में जारी तनाव के बीच राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे से मिले, इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आक्रामकता क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा। भारत चीन के बीच तनाव पर आज फिर बातचीत हो सकती है, कल 3 घंटे तक ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चीन से सीमा विवाद पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला का बयान, कहा एलएसी पर इस तरह के हालात पहले कभी नहीं हुए, शांति बहाल होने के बाद ही व्यापार सामान्य होंगे, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की टीम हिमाचल के स्पिति में चीन की सीमा पर तैनाती के लिए रवाना हुई, शिमला में तिब्बतीयन समुदाय के लोगों ने इनका स्वागत किया, सैनिकों की हौसला अफजाई की। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस की अध्यक्षता में सकारात्मक रूप से प्रगति हुई, बैठक में अहम मुद्दों पर बातचीत, सदस्य देशों के बीच ऑनलाइन बैठक हुई। बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन, अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से एंटी मिसाइल युद्धपोत आईएनएस रणविजय, आईएनएस सहयाद्री शामिल हुए, रूस की ओर से भी जंगी जहाज शामिल। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.